हमारे पोस्टर्स उतारे जा रहे हैं, हमारी फ्लैक्सीज उतारी जा रही हैं। मैं कंपेन के लिए निकलता हूँ, कभी कोई पुलिस का डाला रोक लेता है, वो कहते हैं हमें पता लगा है आपकी गाड़ी में असला है तो चेकिंग कराएं। मैंने उनसे पूछा कॉर्पोरेशन वालों से आप हमारी फ्लैक्सीज क्यों उतार रहे हैं, कहते खान साहब की तस्वीर क्यों लगी है। खान साहब ही हमारी शनाख्त हैं, वही हमारी पहचान है, हमारे मुल्क की पहचान है, वो तो उनके बगैर हम चल ही नहीं सकते। वो कहते हैं आप लोगों को आने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप वोट आपका, आप टेंशन ना लें, खान साहब का वोट है। नून लीग यहाँ पे 15 साल से इक्तदार पर रही है, 15 सालों में जितने भी MP आए हैं वो डिफरेंट आए हैं, कोई एक MP है इन्होंने टिकने नहीं दिया। यहाँ के MNA साहब ने सियासत में आने का मकसद ही ये था कि मैं अपने इलाके के लिए, अपनी आवाम के लिए खिदमत कर सकूँ। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्म शहज़ाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ PP 152 में मैं मौजूद हूँ। चौधरी नुमान मजीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से MPA के उम्मीदवार हैं और बहुत ज़ोरों शोर से अपनी कंपेन चला रहे हैं। जहाँ जाते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिंदाबाद के नारे लगना शुरू हो जाती हैं। तो आज चौधरी साहब से हल्के के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि इनकी कंपेन किस तरह चल रही है, कौन से मसाइल आ रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड इनको मिल रही है या नहीं मिल रही, पाकिस्तान तरीके इंसाफ इनसे क्या डिमांड करती है। तो साहब बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत ज़ोरों शोर से आपकी कंपेन चल रही है, बहुत सारे तरीके इंसाफ के ऐसे उम्मीदवार सामने आए हैं जिनकी तरफ से शिकायत की जा रही है कि उन्हें कंपेन करने का मौका फराहम नहीं किया जा रहा, तो ये बताइएगा आप बिल्कुल आज़ादाना तौर पे कंपेन हो रही है। हाउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे ही है बिल्कुल। हमें जो है वो कंपेन का जिस तरह से कहा गया, उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड वो बिल्कुल दी हुई है। हमारे पोस्टर्स उतारे जा रहे हैं, हमारी फ्लैक्सीज उतारी जा रही हैं। मैं कंपेन के लिए निकलता हूँ, कभी कोई पुलिस का डाला रोक लेता है, कभी जो है वो डॉल्फिन फोर्स रोक लेती है। रोकने की वजह वो कहते हैं हमें पता लगा है आपकी गाड़ी में असला है तो चेकिंग कराएं। तो चेकिंग होती है, अंदर से कुछ निकलता नहीं, शरीफ लोग हैं हम, हमारा असले से काम ही कोई नहीं है। तो जो है वो यही प्रॉब्लम्स जो है ना आ रही हैं। अभी परसों जो है वो इधर आए हैं रात के टाइम पुलिस वाले डाले पे, उन्होंने आके सारी चेकिंग वगैरह की है हमारे दफ्तर की, मरकजी दफ्तर की, और जो है वो कहते हैं, मैंने पूछा कि क्या वजह, तो कहते हैं कि आपने जो है ना वो यहाँ पर असला है। तो मैंने कहा असला तो हमारे पास कोई है ही नहीं है। दूसरा जो है वो क्योंकि ये मरियम नवाज़ का हलका है तो उस वजह से जो है शायद वहाँ से जो है प्रेशर आ रहा ज़्यादा, और जो इंतज़ामिया जो है आपको पता है उनकी तरफ है। बाकायदा तौर पर कॉर्पोरेशन की गाड़ियाँ लगा के हमारी फ्लैक्सीज उतारी जा रही हैं और जो है वो पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। अच्छा, मरियम नवाज़ साहब का हलका है, कल मरियम नवाज़ साहबा यहाँ पर आई भी थी अपने हलके का, उन्होंने विज़िट भी किया था। शहज़ाद फ़ारूक साहब आपके MNA की सीट पे हैं, उनके भाई अबाद फ़ारूक साहब जिस टाइम पुलिस की हिरासत में है, उन्होंने भी इस हलके में काफ़ी वर्क किया था। तो ये सीट चेंज होने की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सीट चेंज होने की वजह से प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है ये आपको पता है किस वजह से है, ये प्रॉब्लम खान साहब की वजह से है, इनको इमरान खान से मसला है। मैंने उनसे पूछा कॉर्पोरेशन वालों से आप हमारी फ्लैक्सीज क्यों उतार रहे हैं, कहते खान साहब की तस्वीर क्यों लगी है। तो खान साहब ही हमारी शनाख्त हैं, वही हमारी पहचान है, हमारे मुल्क की पहचान है, वो तो उनके बगैर हम चल ही नहीं सकते। उनके बगैर आप चल ही नहीं सकते। अच्छा, हल्के में आप निकलते हैं, हमने सर्वे किए हैं, तो सर्वे में कुछ ऐसे अफराद भी सामने आए हैं जो आज़ादाना तौर पे खान साहब का नाम नहीं लेते हैं, या का नाबदुवैया का नस्ताइन कह देते हैं, या कहते हैं जी खामोशी के साथ हम वोट कास्ट करेंगे। कितने अफराद इस तरह आपको रोज़ाना मिलते हैं जो सामने नहीं आना चाहते लेकिन जो गम और गुस्सा है वो 8 फरवरी को अपना निकालेंगे? देखें, पिछले 10 माह से इंतज़ामिया जो कर रही है, जो जुल्म व बर्बरियत की दास्तान रकम की गई है, ये PDM वालों ने जो जुल्म किया लोगों के ऊपर, आपने आज़म स्वाती देख लें, बाकी लीडरान देख लें, आप खान साहब देख लें, तो उसकी वजह से जो है ना लोग डर गए हैं। जब उन्होंने उनके दिल में आके इन्होंने लीडरों को नहीं छोड़ा तो हमारे, लेकिन उनके पास जो है वो बदला लेने की ताकत है और वो ताकत वोट है, उन्होंने वोट कास्ट करना है। हम जहाँ पे भी जाते हैं लोग कहते हैं कि हम बता नहीं सकते हैं लेकिन वोट आपका है, वो कहते हैं आप लोगों को आने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप वोट आपका, आप टेंशन ना लें, खान साहब का वोट है। अच्छा, आपका जो इंतखाबी निशान है उस टाइम मेडल है, ठीक है, बल्ला निशान छीन लिया गया, कितना फ़र्क पड़ा है आपको? देखें, ये बल्ला छीनने की वजह ये थी कि हमारी कंपेन की डायमेंशन बदल दें, लेकिन कोई नहीं, हमने तकरीरें भी करनी थी और सारा कुछ करना था। अब हमने तकरीरों में जो है वो अपना निशान बताना पड़ रहा है, लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ रही है, ये इलेक्शन कंपेन से ज़्यादा अवेयरनेस कंपेन बन गई है इस टाइम।
आप क्या समझते हैं आपका जो सियासी कैरियर है, अगर आपके पास एक पार्टी का इंतखाबी निशान नहीं है तो मुख्तलिफ निशान सामने आ जाते हैं आज़ाद उम्मीदवारों के भी। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो आसानी से पता चल जाएगा, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको कैसे पता चलेगा? जब वो थप्पा लगाने जाएंगे उनके पास तो एक काफ़ी लंबी फहरिस्त होगी इंतखाबी निशानों की, तो ये आपको मसाइल दरपेश नहीं है? हम मसाइल दरपेश हैं, लेकिन देखें माशाल्लाह 2024 है, पाकिस्तानी अवाम जो है बाशऊर अवाम हो चुकी है। खान साहब ने बहुत ज़्यादा शोर डाला है अवाम में, जो कसर रहती थी वो सोशल मीडिया ने डाल दी है, पूरी कर दी है। सोशल मीडिया से जो है जो कंपेन चल रही है, हर हाथ में मोबाइल है वहाँ पे, अब तो हमें पंपलेट्स वगैरह जो है वो भी पहुँचाने, हालाँकि हम पहुँचा रहे हैं लेकिन वो भी हमें फील हो रहा है कि पहुँचाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना पेनिट्रेट कर गया लोगों में, लोग अपना टीवी वगैरह ये अखबार वगैरह ये छोड़ कर जो है वो मोबाइल पर लगे हुए हैं। तो वहाँ से माशाल्लाह हमारी कंपेन भी बहुत अच्छी जा रही है और वहाँ से हमें फीडबैक भी बहुत पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, अगर आप विन कर जाती हैं तो अपने हलके के लिए क्या ऐसा काम करके जाएँगे कि चौधरी नुमान साहब का जो नाम है वो सुनहरी हरूफ में लिखा जाए? सबसे पहले तो मैं इस हलके से जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा घर यहाँ पे है तो मैं इधर ही रहूँगा, और सारी उम्र मेरे दादा परदादा सारे यहाँ के हैं तो मैंने इधर ही रहना है, और मुझे इस जगह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, उनसे मेरे बच्चे यहाँ पे रहते हैं, मेरी सारी फैमिली यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ा जो मसला है वो आलूदगी का है, फ़िज़ाई आलूदगी का, वो मैंने लाजमी हल करवाना है प्रायोरिटी पर। उसके बाद जो है जो बेसिक मसाइल हैं, सीवरेज वगैरह हो गया, ये साफ़ पानी हो गया, गैस हो गई, तालीमी निज़ाम यहाँ पे बहुत नाकिस है, यहाँ पे सरकारी स्कूलों का फुकदान है, सरकारी कॉलेजेस का फुकदान है, कोई यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं बनी है, हालाँकि इतना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत ज़्यादा वोट्स हैं यहाँ पर तो, लेकिन यहाँ का कोई ध्यान नहीं रखा गया। नून लीग यहाँ पर 15 साल से इक्तदार पर रही है, और 15 सालों में जितने भी MP आए हैं वो डिफरेंट आए हैं, कोई एक MP है इन्होंने टिकने नहीं दिया यहाँ के MNA साहब ने, और दूसरा जो है वो हमेशा जो है ना इम्पोर्टेड MPA हमें मुसलत किया जाता है, कभी जो है वो जोड़ेपुल से उठा के ले आते हैं, कभी गाज़ियाबाद से उठा के ले आते हैं, तो उस वजह से जो है ना यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया बिल्कुल भी ना, सिर्फ वोटों के लिए लोग आते रहे हैं, और जब वोट मिल जाते थे तो दोबारा इस हलके का रुख ही नहीं किया उन्होंने। तो मेरा जो है वो यहाँ पर आने का, सियासत में आने का मकसद ही ये था कि मैं अपने इलाके के लिए, अपनी आवाम के लिए खिदमत कर सकूँ। अच्छा, लास्ट में 8 फरवरी के हवाले से अपनी आवाम के लिए मैसेज? 8 फरवरी को आपने लाजमी निकलना है अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, इमरान खान के लिए, जो आप लोगों के लिए अडियाला जेल में बैठा है, अपने मोबाइल से 8300 के ऊपर मैसेज लाजमी करें, अपना आईडी कार्ड नंबर और उससे जो रिप्लाई है उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, उसके ऊपर आपको आपका NA का हल्का भी पता लग जाएगा, PP का हल्का भी पता लग जाएगा, और तीसरा आपको आपका पोलिंग स्टेशन भी पता लग जाएगा, वही आपकी वोटर पर्ची बनाने में काम आएगा। तो ये चीज़ आपने ख़ुद भी जहन में रखनी है और लोगों तक पहुँचानी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चौधरी नुमान मजीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, PP 152 से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ये उम्मीदवार हैं, और इस हलके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से मरियम नवाज़ साहिबा MNA की उम्मीदवार हैं। काफ़ी कांटे का मुकाबला होने जा रहा है, दो ही पार्टियाँ इस हलके में नज़र आ रही हैं, या तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हैं। 8 फरवरी को आपने अपने ज़मीर की आवाज़ सुननी है, आप समझते हैं कि कौन सी पार्टी इस टाइम आपके मसाइल हल कर सकती है? आपके मसाइल आपके सामने हैं, साफ पानी है, सिवरेज है, आलूदगी है, तलीम का फुकदान है, तो उस हवाले से अपना वोट कास्ट करें और अपनी पसंदीदा हुकूमत को, अपने पसंदीदा MPA MNA को मुंतखब करें। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को PP 152 से दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।